नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टाटा कर्व के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका क्रिएटिव वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से करते हैं। तो कर्व के अंदर टोटल आपको चार मेन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन प्योर, फिर क्रिएटिव आ जाएगा और फिर टॉप वेरिएंट आ जाएगा एकम्प्लिश्ड। स्मार्ट को छोड़ के बाकी सभी के साथ जो है आपको फर्दर कस्टम पैक्स देखने को मिलते हैं। वैसे इस क्रिएटिव के साथ दो कस्टम पैक्स और मिलेंगे, एक आपको क्रिएटिव एस और एक क्रिएटिव प्लस एस। तो क्रिएटिव लाइनअप के अंदर टोटल तीन वेरिएंट हो गए, एक क्रिएटिव ये जो खड़ा है, इसके बाद क्रिएटिव एस आ जाएगा। तो उस वेरिएंट को भी इसी वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको सिर्फ तीन फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि क्या तीन फीचर्स जो हैं आपको वो मिलने वाले हैं। उसके बाद क्रिएटिव प्लस एस आता है, तो उस वेरिएंट पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वॉक अराउंड हमने किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल देता हूँ। अब बात कलर ऑप्शंस की करते हैं, तो वैसे कर्व के अंदर टोटल छः कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट तक रहते हैं तो यहाँ पे चार कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसका वाइट कलर, इसके अलावा आपको डेटोना ग्रे, रेड और ब्लू कलर देखने को मिलते हैं। और इस वेरिएंट के अंदर जो है आपको सिंगल टोन ऑप्शन ही मिलेंगे, फर्दर अपर वेरिएंट्स में जो है ड्यूल टोन ऑप्शंस जो है ऑफ़र किए गए हैं। तो ये हो गई बात इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको इस वेरिएंट के अंदर मिलने वाले हैं। तो शुरुआत की से करते हैं, तो कुछ इस तरह की जो है आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन की जो है ये उल्टी हो जाती है भाई, तो कुछ इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा, की रिंग ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे लॉक, अनलॉक, बूट अनलॉक और साथ ही फॉलो मी लाइट्स के कंट्रोल जो हैं आपको ऑफ़र किए गए हैं। ओवरऑल की अब जो फील है वो काफ़ी अच्छी आने लग गई है। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका क्रिएटिव वेरिएंट है, तो अगर आप अपग्रेड करते हैं क्रिएटिव एस वेरिएंट पे, तो वहाँ पे तीन फीचर्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक फीचर आपका एक्स्ट्रा मिलेगा कि वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, साथ ही ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर्स जो हैं आपको यहाँ वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन वो लोग जिनके लिए सनरूफ जो है इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती, उनके लिए काफ़ी बढ़िया वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो बेसिक फीचर्स हैं, जो एक फीचर्स चाहिए, अलॉय व्हील्स, पावर विंडोज़, म्यूजिक सिस्टम, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो एसी, वो सारे फीचर्स जो हैं आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप की चॉइस कुछ ऐसी है कि आपको सनरूफ नहीं चाहिए लेकिन फीचर सारे चाहिए, तो आपके लिए ये जो वेरिएंट है इसका परफेक्ट वेरिएंट जो है बन सकता है। और इसके बारे में हम एक एक करके फीचर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो स्टार्ट इसकी विड्थ से करते हैं, तो ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 1810 mm जो है आपको इसकी विड्थ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक सबसे मेन डिफरेंस क्या दिखेगा, वो ये कि यहाँ पे जो है आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स जो हैं वो या फ्रंट DRLs जो हैं वो नहीं मिलेंगे, और ना ही टेल लाइट्स कनेक्टेड मिलेंगी। तो इस तरह से जो है आपको ये यहाँ पे LED DRLs देखने को मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो भी आपको इन्हीं के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है। उसके बाद फ्रंट ग्रिल जब आप इसका देखेंगे ना, तो ये कंप्लीट ग्रिल जो है इसकी ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ रखी गई है। यहाँ पे ये जो है सिल्वर या क्रोम एसेंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़ा सा सेंटर में टाटा का लोगो आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल लुक्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं। उसके बाद हेडलाइट सेटअप भी जब आप इसका देखेंगे, तो ये सेटअप भी जो है आपको यहाँ पे LED ऑफर किया गया है, लो बीम हाई बीम के लिए सेम ये सिंगल ही आपको मिलने वाला है। ये प्रोजेक्टर लाइट आपको मिल जाएगी, इस वेरिएंट के अंदर कोई भी फोग लैंप्स का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। ये एयर कर्टेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फ्रंट जो चिन गार्ड है, ये लोअर पार्ट जो है बम्पर का, ये कंप्लीट जो है इस ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको देखने को मिलता है। कुछ एक ओपन स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ एक ऊपर की तरफ, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रंट लुक्स कुछ इस तरह के लगते हैं। आपको इसके फ्रंट लुक्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइएगा। अब साइड से आप इस गाड़ी को देखिए, तो मेन जो लुक आती है ना गाड़ी की वो साइड से आती है, और इस वाइट कलर के साथ जो है गाड़ी अच्छी भी लग रही है। ये जो डिज़ाइन है ना इसका कूपे डिज़ाइन, ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर लेंथ की बात करूँ तो 4308 mm आपको इसकी लेंथ देखने को मिल जाएगी। टायर साइज आप यहाँ पे देखिए, तो कुछ अलॉयज ये आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स जो हैं आपको ऊपर किए गए हैं। ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लग रहा है इनका, और जो आपको प्रोफाइल मिलता है 215/60 आपको मिलने वाला है। सामने की तरफ डिस्क और रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे,
ऑल अराउंड आपको स्कर्टिंग्स जो है देखने को मिलेगी, लेकिन स्कर्टिंग्स जो है ये सारी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलने वाली है। ये यहाँ पे कर्व आपको लिखा दिखाई देगा। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है, 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। उसके बाद हैंडल्स जब आप देखेंगे तो फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं और ये वेलकम लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन प्रेस यहाँ से नहीं करना है, प्रेस यहाँ से करना है तब ये ओपन होगा। तो ये वेलकम लाइट आपको मिलने वाली है जो काफ़ी एक अच्छा फीचर, और ये स्टैंडर्ड रखा गया है सभी वेरिएंट के अक्रॉस। उसके बाद ORVMs भी जब आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। LED ब्लिंकर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है इस शोल्डर लाइन पे आपको क्रोम यूजर्स दिखाई देगा। बी पिलर ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलता है और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर्स की आपको मिलने वाली है। तो साइड से कुछ इस तरह के लुक आते हैं इसके। अब रियर इस गाड़ी का और देख लीजिए, तो रियर में भी आपको जैसे मैंने बताया था कि कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं मिलेंगी। टेल लाइट्स जो है वो सिर्फ ये पार्ट लिट अप करेगा, सेंटर पार्ट जो है वो लिट अप नहीं करने वाला है। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से ये लिट अप करता है ना, ये पार्ट लिट अप कर रहा है, जो डिज़ाइन दिया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रेक आप प्रेस करेंगे तो ये लोअर जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी और एक लाइट यहाँ पे है ये ऑन हो जाएगी, तो ये ऑन होती है। और टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको इसी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना, देन ये रूफ का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है डिफोगर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टाटा का लोगो, और ये रियर कैमरा आपको मिलता है। कर्व लिखा आपको दिखाई देगा। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको बैकलाइट मिलती है दोनों तरफ, और ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। रेस्ट ये जो हाउसिंग है ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है, ये कंप्लीट जो है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। रियर में भी आपको ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगा बम्पर पे। और दो सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में अगेन आपकी हेल्प करने वाले हैं। एक चीज़ है कि आपको हर जगह जो है ना ये जो ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है, इसकी जगह मेरे हिसाब से आपको ना मैट ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता तो और ज़्यादा बेहतर ये हो सकता था। आप एक बार बूट स्पेस चेक करते हैं तो की से जो है सिर्फ आप बूट को अनलॉक कर पाएंगे और यहाँ से जो है फिर आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन करेंगे एक बार हॉर्न की आवाज़ जरूर आएगी। इस बटन का साइज़ जो है थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था। बूट स्पेस आपको अच्छा मिलता है, 500 लीटर्स का जो है बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इस वेरिएंट के अंदर जो है पार्शियल सेल्फ आपको नहीं मिलने वाली है, तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में जो है आपको पार्शियल ट्रे परचेज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी स्टोरेज मिलता है तो यहाँ पे भी कुछ रख पाएंगे, इस तरफ भी स्टोरेज मिल जाएगा। और ये 1 kg के हुक, दो इस तरफ, दो इस तरफ, चार हुक मिलेंगे। ये मैट जो आप देख रहे हैं बेसिकली एसेसरीज़ का पार्ट है। और नीचे की तरफ जो स्पेयर व्हील जब आप देखते हैं तो स्पेयर व्हील नीचे की तरफ मिलेगा आपको, 16 inches का स्टील व्हील। लोअर लिप जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो कंफर्टेबली लगेज रख और उसको निकाल पाएंगे। तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, और यूज़ करना चाह रहे हैं स्पेस और रिक्वायरमेंट है तो सामने वाली सीट को फोल्ड कर सकते हैं। कंप्लीट 100% जो है ये फोल्डेबल आपको मिलने वाली है। यहाँ से हैंडल का यूज़ करके आप इसको जो है क्लोज कर पाएंगे। अब इसकी रियर सीट पर मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स हैं वो इस ड्यूल टोन के साथ आपको मिलने वाली है। इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूजर्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। रेस्ट ये जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेगा। रियर पावर विंडो का कंट्रोल, और यहाँ पे जो है आपको मिलने वाला है ये बोतल होल्डर। उसके बाद सीट्स जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ये सीट्स मिल जाएंगी, फैब्रिक सीट्स, और ये ग्रे कलर की फिनिश के साथ जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो आपको ठीक यहाँ पे मिलने वाली है। सामने वाली सीट्स जो है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो एक बार अंदर की तरफ स्पेस भी चेक कर लेते हैं हम। तो सेटिंग में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत जो है यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। सेटिंग आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। थाई स्पोर्ट अच्छा है, लेग रूम अच्छा है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2560 mm आपको यहाँ पे दिया गया है। सेंटर में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट, एक सी टाइप, एक ए टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा, तो अच्छा ध्यान रखा गया है। उसके बाद दो आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल है। सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट ऑफर नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हेडरेस्ट दे देते तो व्यू जो है ये आपका ब्लॉक हो जाता। तीनों पैसेंजर के लिए 3-point सीट बेल्ट मिल जाएगी, लेकिन कोई भी इस वेरिएंट के अंदर सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आइसोफिक्स के पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो दो पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ ये हैंडल्स मिल जाएंगे विद हुक, ये आपको LED लाइट यहाँ पे मिलती है। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये भी एडजस्टेबल रहेंगे, और सीट बेल्ट जो है ये भी एडजस्टेबल रहने वाली है। एक एक हुक जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप ओपन करते हैं ड्राइवर डोर,
तो सेम आपको फिनिशिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलती है ये ड्यूल टोन के साथ में। और ये जो मटेरियल है ये हार्ड प्लास्टिक है, ऐसा नहीं कि ये सॉफ्ट टच है, ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही आपको दिखाई देगा। ये आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे, इनर हैंडल जो है इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं, मिरर्स एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा और साथ ही ड्राइवर को ड्राइवर साइड जो है आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिलता है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है कि ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलेगी मैनुअल, और ये टाटा कार के सभी वेरिएंट के अक्रॉस जो है आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी ये जो वेरिएंट मेरे पास खड़ा है ये इसका पेट्रोल और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, तो इसके इंटीरियर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले सीट को सेट करते हैं सबसे बैक पोजिशन पर और अंदर की तरफ बैठ के और गाड़ी को करते हैं ऑन। सो ये पूरा एक बार 99 तक जाके फिर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा, इंटीरियर्स कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो फैन स्पीड डाउन कर दिया मैंने, लो कर दिया। अभी ये जो है आपको 1.2 लीटर रेवट्रॉन इंजन ही इसके अंदर देखने को मिलता है, बाकी TGDI इंजन के लिए जो है आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपर वेरिएंट में। इंजन ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है तो उसकी साउंड आ रही है, लेकिन इस इंजन को और ज़्यादा रिफाइन जो है किया जा सकता था बिल्कुल। फिट एंड फिनिश जो है हालांकि यहाँ पे इम्प्रूव की गई है, लेकिन फिर भी जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे अमाउंट स्पेंड करते हैं कहीं ना कहीं अभी भी रिक्वायरमेंट है कि फ़िट एंड फिनिश को और ज़्यादा बेहतर किया जाए। हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो ये 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है, इल्यूमिनेटेड आपको दिया गया है और लेदर रैप इसके ऊपर आपको देखने का मिल जाएगा। एडजस्टमेंट जो है टिल्ट आपको मिलती है, टेलीस्कोपिक जो है वो कर्व में आपको नहीं दी गई है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे सामने क्लस्टर के, और ये जो है क्रूज़ कंट्रोल, इस तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिखाई देंगे। सामने की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 इंचेस का ड्राइवर डिस्प्ले जो है आपको ये दिखाई देने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इधर की तरफ फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, RPM गेज और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका लग रहा है। फिर इस सेंट्रल पार्ट को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाय हारमन, 4 स्पीकर 4 ट्वीटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी आपको अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। और एक बार आपको रिवर्स कैमरा मैं दिखा देता हूँ, तो रिवर्स कैमरा कुछ ऐसा मिलता है, क्वालिटी ठीक इसकी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देन ओवरऑल टच रिस्पॉन्स वगैरह की अगर बात करें तो वो आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो उसमें किसी तरह की दिक्कत जो है आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी जो है आपको वो भी मिलने वाली है। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये ऑटो एसी की यूनिट, तो ऑटो एसी आपको यहाँ पे मिलता है। ये सारे कैपेसिटिव टच बटन्स मिलेंगे, सिर्फ ये 2 फिजिकल बटन्स मिलते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक बूट अनलॉक आप कर पाएंगे, और डिस्प्ले जो है आपको इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर ही दिखाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक 12 वोल्ट एक ए टाइप और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, या आपको मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, या आपको इस वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल और डीजल के साथ मिलेगा, ऑटोमेटिक सिर्फ पेट्रोल के साथ ही देखने को मिलेगा जो DC आता है। ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं इको, सिटी और स्पोर्ट, बाय डिफॉल्ट जो है सिटी के अंदर रहता है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ओके ऐसे बोल के बताएगी भाई बिल्कुल ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ये कुछ एक स्पेस, तो इसको ओपन करेंगे तो ये स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बोतल आप यहाँ पे रख सकते हैं छोटे वाली, और ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो फिक्स है, इसको आप स्लाइड नहीं कर पाएंगे। ये हैंड ब्रेक और टिप जो है आपको इस ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलती है। ग्लोव बॉक्स का स्पेस जब आप देखते हैं तो ये डिसेंट आपको मिलेगा, साथ ही कूल्ड ग्लोव बॉक्स जो है आपको यहाँ पे दिया गया है अलग से, टैबलेट होल्डर के लिए स्पेस जो है वो नहीं मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिखाई देने वाला है। ये IRVM जो है मैनुअल, यहाँ से डे नाइट आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे, और ये लाइट जो है आपको LED मिलने वाली है। सनरूफ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा क्रिएटिव S वेरिएंट पे। सो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स, अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस के बारे में।
सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं, तो यहाँ पे 6 एयरबैग्स जो हैं आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD, ESP फंक्शनैलिटीज़ जो हैं आपको यहाँ पे ऑफर की गई हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स जो हैं आपको वो भी मिलने वाले हैं। अपर वेरियंट्स के अंदर जो है आपको ADAS फीचर्स और 360 डिग्री कैमरा, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। बात इंजन की करें तो इस वेरियंट के अंदर जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जो टाटा मोटर्स का नया इंजन है TGDI जिसको बोलते हैं, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक वेरिएंट अपग्रेड करना पड़ेगा, क्रिएटिव एस के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको TGDI इंजन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है रेवोट्रॉन इंजन आपको मिलता है, तो यहाँ पे 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा, वो भी टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 120 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर्स का। उस इंजन के साथ आपको मैनुअल और 7-स्पीड DCA देखने को मिल जाएगा। फिर आपको एक डीजल इंजन ऑफर किया गया है 1.5 लीटर्स का क्रायोजेट जिसको बोलते हैं, जो एक 4 सिलेंडर इंजन है, वो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 118 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। इस वेरियंट के अंदर डीजल सिर्फ मैनुअल के साथ मिलेगा, अगर आप डीजल के अंदर ऑटोमेटिक DCA मतलब लेना चाह रहे हैं तो आपको फिर एक वेरिएंट जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वारंटी आपको 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की मिलती है, आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर भी एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं, तो अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट ऑप्ट करते हैं तो और पेट्रोल मैनुअल ऑप्ट करते हैं तो उसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 12,20,000 रुपीज़, और अगर आप पेट्रोल DCA के लिए जाएंगे तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 13,70,000 रुपीज़, और अगर आप डीजल मैनुअल ऑप्ट करेंगे जो सिर्फ मैनुअल के साथ ही ये वेरिएंट मिलता है तो उसका एक शोरूम प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा जो पेट्रोल DCA का है 13,70,000 रुपीज़। और जितने प्राइजेज मैंने आपको बताए सभी एक शोरूम प्राइजेज हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा कर्व क्रिएटिव वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।